बयानों, कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी और रेड पंजाब के कई इलाकों में हुई, मोहाली में, लुधियाने में, कई जगहों पर ईडी ने रेड करी। इलीगल सैंड माइनिंग यानी कि नजायज रेते की चोरी, रेता खनन की रेड, उस सिलसिले में, उस मसले में रेड हुई और रेड पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने भतीजे के घर पे हुई, अपने भतीजे के ठिकानों पे हुई। कल इस ईडी की रेड में यह सामने आया कि भूपिंदर हनी जी, ये हमारे पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चन्नी साहब के भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर पे मोहाली में, उनके अड्डों पे, ठिकानों पे लुधियाने में और कई जगह रेड हुई। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से ऑफिशियल पंचनामा या एक सर्कुलर की क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं औपचारिक तौर पे नहीं आया है, लेकिन जो अखबारों में छपा और सूत्रों के हवालों से पता लगा है वो ये है कि अभी तक इस रेड में, जो रेड आज भी चल रही है, कल सुबह से चल रही है, कल पूरा दिन चली, आज भी चल रही है, हो सकता है आगे भी चले, इसमें 10 करोड़ रुपए से भी नकद कैश, 10 करोड़ रुपए से भी नकद कैश बरामद हुआ है। चन्नी साहब के भतीजे के अपने घर से करोड़ों रुपए के कैश को बरामद किया गया है। 56 करोड़ रुपए की एंट्रियां, बैंक एंट्रियां अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं। लाखों रुपए का बता रहे हैं, शायद 21-22 लाख रुपए का गोल्ड यानी कि सोना बरामद हुआ है। करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां आती हैं वो गाड़ियां बरामद हुई हैं। और प्रॉपर्टी के कागज, बड़े बड़े जमीनों के, बंगलों के, फार्म हाउसों के कागज निकले हैं। अभी तक सिर्फ इतनी ही चीजें बाहर निकल कर आई हैं। रेड चल रही है, हो सकता है और भी चीजें निकलें। बताया जा रहा है, मुझे तो जानकारी नहीं थी, कुछ साथी बता रहे थे कि शायद माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के भतीजे के पास आज से कुछ महीने पहले तक इतनी संपत्ति, इतनी वेल्थ, इतने करोड़ रुपए नहीं होते थे और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पिछले 111 दिनों में ही उन्होंने इकट्ठी करी, यानी कि वही 111 दिन जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे पंजाब के। अब आप सोचिए कि अगर एक भतीजे मुख्यमंत्री के, एक भतीजे के घर पे इतना सब कुछ, इतने करोड़ रुपए, इतना सोना, इतनी करोड़ रुपए की गाड़ियां, प्रॉपर्टी के कागज जब्त हो सकते हैं, बरामद हो सकते हैं, तो सोचिए कि बाकी भतीजों और रिश्तेदारों के यहां पर क्या क्या मिलेगा। दूसरी चीज सोचिए कि अगर रेड अभी तो भतीजे पे हुई चन्नी साहब के, और उस भतीजे के पास करोड़ों रुपए मिल गए, नकद मिल गए, अगर ये रेड चन्नी साहब के अपने घर पर हो जाती तो सोचिए कितने करोड़ रुपए, कितनी संपत्ति मिलती। और तीसरी चीज सोचिए कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी साहब 111 दिन की बजाय 5 साल पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रहे या रहे होते तो कितनी बेशुमार दौलत वो भ्रष्टाचार करके कमा सकते थे।
कितनी उन्होंने कमाई होती। अगर 111 दिन में उनके भतीजे के घर से 10-10 करोड़ रुपए, सोने, गाड़ियां, 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां, कागजात प्रॉपर्टी के मिल रहे हैं, सिर्फ 111 दिन में अगर इतना कमा लिया तो 5 साल में चन्नी साहब कितना कमाते, ये सोचिए। ये 3 चीजें आज सोचने वाली हैं, ये आपको भी सोचनी है, पंजाब की आवाम को और हमको भी सोचनी है। क्या हम ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जिस सूबे के मुख्यमंत्री पर नजायज रेते के खनन, नजायज रेते की माइनिंग के चोरी के आरोप लगे, उसके परिवार वालों के घरों से करोड़ों रुपए लगे मिले? क्या फर्क रह गया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या फर्क रह गया बादलों में और चन्नी साहब में? क्या फर्क है? जब इनकी सरकार होती थी तो इन्होंने अपने 7-स्टार होटल बना लिए, ट्रांसपोर्ट माफिया से लेकर केबल टीवी माफिया शुरू कर दिया। अब चन्नी साहब की सरकार आई तो वो खुद रेता माफिया बनके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों की रेडें इन पे हो रही हैं। क्या फर्क रह गया बादलों में और चन्नी साहब में, ये मैं आज पूछना चाहता हूं। और हमारे कुछ 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल कि कहां से चरणजीत सिंह चन्नी साहब के भतीजे के पास करोड़ों रुपए, 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां, लग्जरी गाड़ियां, प्रॉपर्टी के कागजात, इतना सारा पैसा, इतनी सारी दौलत कहां से आई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, चन्नी साहब के परिवार में और कौन कौन है जिसके पास इतनी बेशुमार दौलत पिछले 111 दिन में, मुख्यमंत्री के 111 दिन के कार्यकाल में आई? मेरा तीसरा सवाल, अगर यह बात सही है कि यह सारा पैसा उन्होंने 111 दिन में कमाया है, अगर यह बात सच है, अगर इसकी पुष्टि होती है, तो यह बताएं कि 111 दिन में अगर भतीजे ने इतना कमाया है तो मुख्यमंत्री साहब ने कितना कमाया, और बताएं कि अगर 111 दिन में इतनी बेशुमार दौलत कमा ली तो कहीं चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते तो कितना कमा लेते। ये सारी चीजें आज मैं पंजाब सूबे के मानयोग्य मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से पूछना चाहता हूं। सिद्धू साहब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार बोलते आए मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं पंजाब के मुद्दों पे खड़ा हूं, या तो पंजाब रहेगा या सिद्धू रहेगा, न जाने क्या क्या बोलते हैं। मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं, सिद्धू साहब आपके मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के घर छापेमारी हुई, करोड़ों रुपए के कैश की जब्त हुआ, सीज हुआ, आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। और जो लोग ये सवाल करेंगे, मुझे पता ये सवाल आएंगे कि आप लोग आम आदमी पार्टी वाले तो हमेशा से विरोध करते आए सीबीआई की रेड का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड का, क्योंकि रेडें तो अरविंद केजरीवाल जी से लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर भी हुई, रेडें हम सब पर हुई, तो क्या आज हम केंद्र सरकार के साथ होकर यह बात कह रहे हैं? अगर यह सवाल किसी के मन में आता है तो मैं उसका जवाब सीधे तौर पर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर एजेंसी को आम आदमी पार्टी के लोगों पे छोड़ा, अनलीश किया, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट वर अनलीश्ड ऑन अरविंद केजरीवाल, एंड जब जब अरविंद केजरीवाल जी पर, उनके मंत्रियों पर, उनके विधायकों पर कभी भी कुछ ऐसी रेड हुई, 10 मफलर से ज्यादा कुछ नहीं मिला। और यहां पे चन्नी साहब के रिश्तेदारों के घरों पे करोड़ों रुपए
बरामद होते हैं। जब अरविंद केजरीवाल पे हमारे प्रधान अरविंद केजरीवाल जी पर रेड होती है तो सीबीआई 10 मफलर बरामद करता है, और चन्नी साहब के भतीजे के घर पे रेड होती है तो सीबीआई 10 करोड़ रुपए बरामद करता है। यह फर्क है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। मैं ये चीज साफ तौर पे आज कांग्रेस पार्टी के सामने रखना चाहता हूं, पंजाब की आवाम के सामने रखना चाहता हूं।